बैंकॉक में एक ऐसा होटल है जो बिल्कुल सारी एक्शन के बीच में है। इफ यू लाइक टू हॉलीडे इन बैंकॉक इस वीडियो को अच्छे से देखना। ये होटल कहाँ है, कितने का है, मैं आपको सब बताऊंगा। पहले आपको देते हैं होटल रूम का टूर, शुरू करते हैं एंट्रेंस से। ओके, इस होटल की जो कैटेगरी है, दिस इज अ जूनियर स्वीट होटल, जिसका मतलब ये है जब आप ऐसे एंटर करो, आते ही ऐसे देयर इज अ लाउंज एरिया, मतलब ऐसे बैठने के लिए ऐसे एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो, खाना ऑर्डर कर सकते हो। यू कैन चिल हियर, देयर इज अ लिटिल सोफा लाउंज, देयर इज अ लिटिल चेयर, यहाँ पे एक टीवी रखा हुआ है। ये वाले साइड पे कुकिंग के लिए देयर इज अ लिटिल स्टोव, देयर इज अ सिंक, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, ग्लासेस, कटलरी, ये सब है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट चिल आराम से, दिस इज एक्चुअली रियली गुड प्लेस। मेरे को ऐसे ना अच्छे लगते हैं कि जगह, बिकॉज थोड़ा स्टफ़ी नहीं है, मतलब ऐसे ये लाउंज एरिया हो गया। अंदर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। थोड़ा बाहर जब देखते हो, ये जो सेंट्रल एरिया है, बेसिकली ये वाला जो एरिया बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इस बिल्डिंग के लिए जो साथ पे, इसका नाम है प्लैटिनम प्रातुरम। दिस इज अ ह्यूज शॉपिंग मॉल जहाँ बहुत लोग आते हैं, एंड दिस इज वहाँ पे यू सी द बिग सी। आई डोंट यू कैन सी द बिग सी देयर, दैट्स ऑल्सो दैट्स अ बिग चेन इन थाईलैंड। शॉपिंग वॉपिंग के लिए बड़ा अच्छा होता है यहाँ पे। आस पास लिटरली जो मॉल्स हैं सब लिटरली आस पास है, वेरी वेरी नाइस। ओके, बैक टू द रूम। तो ये तो हो गया हमारे लाउंज वाला एरिया। अब हम यहाँ से जाते हैं अंदर टू द एक्चुअल बेडरूम। ओके, सो दिस बेडरूम, दिस वन दोस ओल्ड विंटेज स्टाइल बेडरूम्स ऐसा है। दिस ऑब्वियसली द बेड, देयर इज सम कैबिनेट्री देयर, यहाँ पे अच्छी सी चेयर है, सो यू कैन लुक आउट एंड एंजॉय वट एवर बिल्डिंग का व्यू इज हैपनिंग देयर। यहाँ पर देयर इज दिस एरिया। अच्छा, दिस इज द बिल्डिंग, मैं बताता हूँ, ये प्लैटिनम प्रातुरम। दिस इज ह्यूज शॉपिंग प्लाजा, चार पाँच माले का है, एंड इट्स वेरी वेरी पॉपुलर, एंड इट्स रियली लाइक द बेस्ट प्लेस टू जस्ट रियली शॉप। तो अगर आप बैंकॉक में आते हो, जस्ट दिस वन एरिया इटसेल्फ आपकी सारी शॉपिंग यहीं हो जाएगी। मेरे को अच्छा लगता है कनेक्टेड अंदर से अंदर ही जाओ एंड आपका आधा काम हो गया। ऑलराइट, नाउ आई विल शो यू द बाथरूम विच इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था। ओके, सो व्हेन यू गो इनटू द बाथरूम देयर इज अ टब विच इज ऑलवेज नाइस, देयर इज अ शावर क्यूबिकल, ओके, विच इज ऑसम, एंड देयर इज ऑल ऑफ दिस। तो इस होटल का नाम है, दिस इज कॉल्ड ग्रैंड रेसिडेंसेस। इट्स इन पथवचूरी, ऐसा कोई नाम है इस जगह का। बेसिकली प्लैटिनम प्रातुरम के आसपास है। पूरे डिटेल्स मैं कैप्शन में भी डाल दूंगा अच्छे से। इट्स अ गुड होटल। मैंने इसके जो पे किए, आई थिंक आई पेड अबाउट रफली सम 3,400 रुपीज प्लस टैक्सेस, तो मतलब ये 4,000 के नीचे का आया होगा पर डे। एंड इट्स रियली नाइस, अच्छा है, बिकॉज जगह भी है काफ़ी। इट्स इन द मिडल ऑफ ऑल द सेंट्रल एक्शन, एंड मेरे को लाइक ऐसे, मेरे को हमेशा ऐसी जगह अच्छी थी जहाँ पे ऐसे ज़्यादा जगह हो। दिस इज लाइक बेसिकली इट्स लाइक अ स्टूडियो अपार्टमेंट, नहीं तो होटल रूम में सिर्फ इतना ही मिलता है, तो इसमें ज़्यादा मिलता है। राइट, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट कर, शेयर करना, इस वीडियो को सेव कर दो, जैसे अगर आप बैंकॉक आओ, अब क्योंकि वीज़ा एग्जेम्प्ट हो गया इंडियंस के लिए, तो ज़्यादा हम ट्रैवल कर सकते हैं। सो यू नो एग्जैक्टली वेयर टू स्टे। ऑलराइट, बिग पुच्ची।